नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कोई लड़का एक परीक्षा फॉर्म और बोल रहा है कि सर जी थोड़ा इसको बता दीजिए कि कैसे भरना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत ऐसे स्कूलों हैं जहाँ पर ना अलग अलग टाइप का परीक्षा फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग के स्कूल में कुछ इस टाइप का परीक्षा फॉर्म मिला होगा तो आइए हम बता देते हैं कि इसको सही सही कैसे भरना है। दोस्तों गलती मत भरिएगा, अगर आप गलती भरते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। फाइनल एडमिट कार्ड अब आने वाला है, इसलिए आप सब कुछ सही सही भरिएगा, ठीक है। अगर ना आए तो हमसे पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिएगा। देखिए पहला BSAB ID है, तो ये दोस्तों ID आपको रजिस्ट्रेशन जो आप कराए थे ना, रजिस्ट्रेशन कराए थे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना उसका स्लिप होगा, डमी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका होगा ना, बिल्कुल होगा, उसी पर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और BSAB ID आपका उसी पर होगा। तो वो दोनों आप वहाँ से लेकर भर दीजिएगा। स्टूडेंट नेम याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम भरना है। अगर आपको नाम भरना है तो सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों कैपिटल लेटर भरना। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में ही भरें, क्योंकि जब कैपिटल लेटर में भरना होता है ना तो हर लेटर के लिए ऐसे आपको ना कॉलम दिया रहता है, ऐसे आपका कोठा दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में भरेंगे तो पूरा का पूरा सही सही कैपिटल लेटर में भरिएगा, और अगर हिंदी में भरेंगे तो हिंदी में भर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो हम लिखेंगे RANJAN, मतलब कि पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा रंजन, और जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद तो सेम से वही प्रोसेस यहाँ पर मदर नेम और फादर नेम, यानी कि माता का नाम पिता का नाम में भी लिखने में भी करना है। और याद रहे ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है, आप यहाँ पर अच्छा फ़ोटो लगाइएगा। देखो आप अगर यहाँ पर अच्छा फ़ोटो नहीं लगाते हैं तो आपका परीक्षा फॉर्म है ना, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड पर और पर जो आपका मार्कशीट आएगा उस पर यही फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो साफ लगाना, अच्छा लगाना, बैकग्राउंड ब्लू या फिर वाइट होना चाहिए, मतलब कि रंगीन फ़ोटो होगा, एकदम सुंदर सा फ़ोटो, एकदम मतलब खिंचवा लीजिए। अगर नहीं होगा तो 50 रुपया 60 रुपया लगेगा, तो सुंदर सा फ़ोटो आप लोग इसमें चिपकाइएगा, इतना में ही चिपकाइएगा। और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर आपको ही करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें भी सिग्नेचर आप करते हैं तो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, देखो डेट ऑफ बर्थ भी डालने के लिए यहाँ पर कॉलम नहीं दिया है, तो डेट ऑफ बर्थ आप दो तरीके से डाल सकते हो। मेरा डेट ऑफ बर्थ जैसे है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, तो 18/1/2003 ऐसे हम लिख देंगे। और कोई लड़का रहता है जो है कि ऐसे लिखता है 18 ऐसे देता है 01/2003, तो आप ऐसे भी दोस्तों लिख सकते हो 2003, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जेंडर मतलब कि आप अगर मेल हैं तो आप मेल भरिए, मतलब कि लड़का है तो मेल भरिए और लड़की है तो फीमेल भरिए, जेंडर तो आपको पता चल जाएगा मेल फीमेल में। और उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी, देखो कास्ट कैटेगरी अगर आप गलती भरते हैं तो पता है ये गलती कहाँ पर आपको भुगतना पड़ेगा, जब आप आगे चल कर कोई सरकारी जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कटअप निकलता है कास्ट के अनुसार आपका आरक्षण मिलता है, वहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी उस पर दिक्कत ना हो हमने वीडियो बना रखा है, जाकर देखिए ना, एगो वीडियो बनाए हैं कि आप किस जाति से हैं, यादव हैं, कुशवाहा है, वर्मा है, भुइयार है, मतलब कि जोना भी जाति से हैं तो आपका कास्ट के ही में जाएगा, हम उस पर वीडियो बनाए हैं, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर वो भर दीजिएगा, OBC EBC BC1 BC2 जिसमें भी आते हैं भर दीजिएगा। डिफरेंटली एबल्ड इसका मतलब होता है कि आप विकलांग तो नहीं है, अगर आप विकलांग है तो यस लिख दीजिए, उसका थोड़ा सा कारण लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो वहाँ पर आपको नो भर देना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर देख लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है तो 10 अंक दिया है। और यहाँ पर ईमेल आईडी, दोस्तों ईमेल आईडी तो कैपिटल स्मॉल लेटर में ही भरना होगा, क्योंकि ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में होता है, तो ईमेल आईडी भरना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सर जी मोबाइल नंबर दिए हैं तो ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है ना, बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा यानी कंप्यूटर पर लोड कर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मेल आपको ना जीमेल पर ही आता है, इसी ईमेल पर आएगा आपको मेल, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, इसलिए देना जरूरी है। अब यहाँ स्टूडेंट कैटेगरी देखो, रेगुलर, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना।
रेगुलर का मतलब होता है कि आप मतलब ना एकदम रेगुलर स्टूडेंट है ना, मतलब कि पहली पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक बार फेल हो चुके हैं फिर दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर पर टिक लगेगा, अगर प्राइवेट हैं तो प्राइवेट एक्स है तो एक्स, और बेटरमेंट है तो बेटरमेंट, कंपार्टमेंट में तो कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो लड़के एक दो विषय में नहीं फेल हो जाते हैं तो फिर से वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर से वो अगला साल प्रयास करते हैं उनके लिए। और बेटरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका 250 नंबर आ गया और आप अपने अंक से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि नहीं मेरा दोस्त 50 अंक नहीं अच्छा लग रहा है, मैं एक बार फिर से एग्ज़ाम दूंगा, तो उसके लिए वो आपका कार्य करता है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्त यहाँ पर आएगा अदर देन रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको रोल कोड, रोल नंबर और आपको क्या बना प्री एग्ज़ाम ईयर का, प्री मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, यानी कि टेंथ में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना टेंथ में, उसमें आपका जो टेंथ वाले का जो आपका रोल कोड रोल नंबर है ना वो यहाँ पर भरना है, और किस वर्ष आप पास किए थे वो यहाँ पर आपको उसका ईयर भर देना है, ये 2023 में 2024 में कब पास किए थे वो आपको भर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आधार नंबर 12 अंक का होता है तो यहाँ पर 12 को कोठा दिया गया है, और नेशनल क्या है तो नेशनल क्या है आप इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन भरिएगा, इंडियन भर दीजिएगा, इंडियन ऐसे भर सकते हैं, ऐसे आप इंडियन भरिएगा INDIAN इंडियन। और रिलीजन क्या है तो आपका रिलीजन क्या है मतलब कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो इस्लाम भरिएगा, जो भी और हैं तो आप वो भर दीजिएगा। और एरिया कौन सा है आप अपने एरिया का नाम भर देना, एरिया मतलब कि आप किस एरिया से हैं वो भर दीजिएगा, ठीक है ना। एरिया देखो, एरिया में ना बहुत मतलब ना यहाँ पर इस फॉर्म में बहुत मतलब ना एक दो गलतियाँ हमको दिख रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ऐसे हैं ना जो कि लड़के नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर आखिर में भरना है तो क्या भरना है। अब आप ही बताइए एरिया तो देना चाहिए ना कि किसका एरिया वो पूछ रहा है। देखो कि दूसरा फॉर्म में एरिया मतलब ये हुआ है ना कि जो आपका स्कूल कॉलेज है वो किस एरिया में है, उस एरिया के आसपास के नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और एक और एरिया है, एक और एरिया है, एरिया का मतलब ये हुआ एक और कि अगर आपका स्कूल ग्रामीण में है मतलब कि गांव देहात में है तो आप लोग क्या भरिएगा, रूरल भरिएगा, रूरल क्या भरिएगा, रूरल भरिएगा, रूरल भरिएगा। लेकिन अगर आपका स्कूल शहर में टाउन में है तो आप अर्बन भरिएगा, तो वही है तो वही वाला आप यहाँ पर भरिएगा, अगर गांव देहात में है तो रूरल भरिएगा, शहर बाजार में है तो अर्बन भरिएगा। और यहाँ पर इम्पेयर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके आँखों से कम दिखाई देता है मतलब कि थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा यस हमारे आँखों से कम दिखाई देता है, ठीक है ना, मतलब कि यस कर दीजिएगा। अगर आँखों से साफ साफ दिखाई देता है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखना है, ये इसलिए दोस्तों दिया गया ना क्योंकि बिहार बोर्ड से कुछ आपको मदद मिल सके। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस में देखो कैसे भरना है, एड्रेस में सबसे पहले आप लोग VILLA ऐसे विलेज करके विलेज आप लोग भर दीजिएगा, फिर PO मतलब कि पोस्ट ऑफिस भरिएगा, फिर उसके बाद से ये भर देने के बाद कमा देकर फिर PS भरिएगा, PS मतलब पुलिस स्टेशन होता है, फिर उसके बाद से आप डिस्ट्रिक्ट भरिएगा DIST करके डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद से ये भर दीजिएगा, ठीक है ना। एड्रेस में बढ़िया से आपको भरना है, और उसके बाद से बैंक और ब्रांच नेम यानी कि जो आपका बैंक है वो कौन सा है और उसका नाम क्या है वो आपको लिखना है, उस बैंक का नाम क्या है और ब्रांच कौन सा है वो लिखिएगा, और उसका IFC जो कोड होता है वो लिखना है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर मैंने छोड़ दिया तो अकाउंट नंबर लिख देना है। और देखो अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कहीं कोई चिन्हासी है, जैसे कि तिल का चिन्हासी, मांसा का चिन्हासी, कोई मतलब कि भगवान का दिया हुआ शुरू से चिन्हासी अगर है तो वो आपको लिखना है। तो देखो मैंने क्या लिखा था, हमने हमारे शरीर में मैंने दोनों बाँह पर ना मैंने मतलब कि दोनों हाथ पर तिल का निशान था, हमने पहले हमें लिख दिया कि मोल मोल तिल को मोल कहा जाता है इंग्लिश में, मोल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा का हम लिख दिया मोल साइन इन राइट हैंड साइड, बस हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ना कन्फ्यूजन कर देने वाला दिया है, ठीक है ना, और हालांकि ऐसा नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि बहुत सब्जेक्ट रखते हैं उनको पढ़ने का मन करता है तो क्या क्या करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन मीडियम पूछा है तो आप जो परीक्षा देंगे हिंदी मीडियम देंगे कि इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम देंगे तो यहाँ पर हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। यहाँ पर मतलब मैरिटल का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखिएगा, और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखिएगा, ठीक है ना, मैरिड अनमैरिड, ठीक है।
विवाहित और अविवाहित, और लास्ट वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चूज करना है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए सब्जेक्ट में आपको कितना, पाँचे गुना आपका सब्जेक्ट होता है 50 नंबर का, और बाकी एक्स्ट्रा में जो लेते हैं वो आपका ही मतलब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर दोस्तों आप मेन सब्जेक्ट मैथ रखना चाहते हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेन सब्जेक्ट में आप अपना बायोलॉजी रखना चाहते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश हो जाएगा। और बहुत ऐसे लड़के हैं ना जो कि मैथ मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी लेते हैं और एक्स्ट्रा मैथ लेते हैं, तो एडिशनल में आप एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा में कोई भी विषय ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन का सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर, और यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैम्प उनका मोहर लगेगा, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।